सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल संजीव मिश्रा को और प्रेस करिए बेल आइकॉन पर हर तरह के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। झारखंड में एक बेहद ही खूबसूरत जिला है लोहरदगा। दोस्तों, अगर आप लोहरदगा से हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव और आज के इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं लोहरदगा जंक्शन रेलवे स्टेशन के बारे में। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के बिल्कुल एंड तक, ताकि कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो जाए। दोस्तों, लोहरदगा जंक्शन रेलवे स्टेशन भारतीय रेलवे के साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन के रांची डिवीजन के अंतर्गत आता है। लोहरदगा जंक्शन रेलवे स्टेशन का स्टेशन कोड LAD है। लोहरदगा जंक्शन रेलवे स्टेशन की कुछ प्रमुख सुविधाओं में वेटिंग रूम, रिटायरिंग रूम, कंप्यूटराइज्ड रिजर्वेशन फैसिलिटी, रिजर्वेशन काउंटर और व्हीकल पार्किंग, ये सब मुख्य हैं। लोहरदगा जंक्शन रेलवे स्टेशन का नज़दीकी एयरपोर्ट रांची का बिरसा मुंडा एयरपोर्ट है, जो कि यहाँ से 71 किलोमीटर की दूरी पर सिचुएटेड है। लोहरदगा जंक्शन रेलवे स्टेशन से लोहरदगा बस स्टैंड की दूरी महज 3 किलोमीटर की है, जहां पर आप ऑटो या ई रिक्शा से पहुंच सकते हैं। लोहरदगा जंक्शन रेलवे स्टेशन के नज़दीक में घूमने योग्य स्थानों में सुप्रसिद्ध लावा पानी वाटरफॉल, 27 नंबर पुल और अखिलेश्वर धाम जैसे खूबसूरत जगह शामिल हैं, जिसे देखने के लिए लोग आसपास ही नहीं बल्कि झारखंड के कोने कोने से यहाँ पर पहुँचते हैं। लोहरदगा जंक्शन रेलवे स्टेशन से रांची जंक्शन रेलवे स्टेशन के लिए कई सारे पैसेंजर ट्रेन्स रेगुलर इंटरवल पर मौजूद हैं। लोहरदगा जंक्शन रेलवे स्टेशन में कुल प्लेटफॉर्म 5 हैं, जो कि एक दूसरे से फुट ओवर ब्रिज से जुड़े हुए हैं। लोहरदगा जंक्शन रेलवे स्टेशन के नज़दीक ठहरने के लिए कई सारे शानदार होटल्स भी हैं, जिनमें होटल पर्ल और होटल दिव्या बहुत ही फेमस हैं। तो दोस्तों, लोहरदगा जंक्शन रेलवे स्टेशन की ये जानकारी आपको कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ कि अच्छी ही लगी होगी। ये कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को इतना प्रचारित कर दें कि जो लोहरदगा में रहते हैं उनको ये जानकारी मिल सके। हमारा वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। एक बात और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो के नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं वो सीधे सीधे आपके मोबाइल तक मिल सके। चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक मैं विदा लेता हूं। बाय बाय।